दर्शकों, जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन का एक और सराहनीय कार्य सामने आ रहा है और आप सभी के समक्ष सीधे जुड़ रहे हैं जयगांव के एनएस रोड से, जहां पे जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा रोड सेफ्टी के लिए, जी हां दर्शकों, रोड सेफ्टी के लिए यहां पे बैरिकेड लगाया जा रहा है। आप सभी के समक्ष हम लोग सीधा दृश्य साझा कर रहे हैं। स्वयं जयगांव ट्रैफिक के ओसी राजीव ओझा जी यहां पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहां पे कई समय से मौत का कुआं जैसा यहां पे ड्रेनेज सिस्टम हो रखा था। बिल्कुल सड़क के बगल में आप देख सकते हैं, यहां पे बिल्कुल सड़क के बगल में किस तरह से खतरनाक स्थिति में यहां पे ये नाला मौजूद था और यहां पे कोई भी बैरिकेड नहीं था, कोई भी डेंजर साइन नहीं था। और इस समय जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के तरफ से, और खासकर मैं कहूं तो जयगांव ट्रैफिक के ओसी राजीव ओझा जी के नेतृत्व में, उनके देखरेख में यहां पे एक बैरिकेड लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये काफी सराहनीय कदम है, पहल है। आप पहले भी देख चुके हैं जयगांव ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्य किया गया है और आज भी ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे काफी जरूरत थी इस कार्य को, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बड़ा दुर्घटना हो सकता था। आप देख सकते हैं एकदम ये अंतर्राष्ट्रीय भूटान को जोड़ने वाला सड़क है जो फुलचिलिंग शहर से जाके जुड़ता है। इस सड़क पे आप हमेशा देखते होंगे कितना ट्रैफिक का समस्या रहता है और किस तरह से भीड़ भाड़ रहता है गाड़ियों का। और खुदा ना कहे कि इस नाले में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर कोई और बड़ी बात हो जाती, लेकिन समय रहते ही जयगांव ट्रैफिक पुलिस के ओसी राजीव ओझा जी ने ये जरूरत को समझा और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगाया जा रहा है ताकि दूर से ही ये नजर आ जाए। इसको कलर करने की भी जरूरत है, इसपे रेडियम स्टिकर्स लाल और अलग कलर के जो होते हैं वो भी लगाए जाएंगे ताकि जो वाहन चालक हैं उनको दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पे एक बैरिकेड है और रोड से जाए। काफी बार होता है कि ड्राइवर जो होते हैं कि सड़क के साइड से भी गाड़ियां निकाल लेते हैं ये सोच के कि आगे निकल जाएं, जगह रहे, तो ऐसा काफी सारे चालक करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि यहाँ पे खतरा है। अब देख सकते हैं ये खतरा को भले भांति जयगांव के ट्रैफिक ओसी राजीव ओझा जी ने समझा है और आज यहाँ पे कार्य होता हुआ दिख रहा है। और ये वेलकम कार्य है, हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे जयगांव ट्रैफिक पुलिस को, जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन, जयगांव पुलिस प्रशासन को, अलीपुरद्वार जिला पुलिस प्रशासन को, और खासकर ओसी राजीव ओझा जी को कि जिन्होंने ये सराहनीय पहल किया है। और ये पहली बार नहीं है कि जयगांव ट्रैफिक पुलिस और ओसी राजीव ओझा जी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। आगे भी आपने मंगलाबाड़ी क्षेत्र में देखा था, काफी सारे जगहों पे इसी तरह से कार्य होता हुआ देखे हैं, आज भी ये कार्य हो रहा है। हम लोग चलते हैं सीधे हम लोग बातें करेंगे राजीव जी से। राजीव जी नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। काफी बार हम लोगों ने देखा है आपने इस तरह का पहल लिया है, मंगलाबाड़ी में भी देखे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी देखे हैं। आज यहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ पे एक मौत का कुआं मौजूद है, आज ये नाले को बैरिकेड करके आप सेफ्टी जोन बना रहे हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर, आपने काफी बढ़िया पहल किया है, बहुत जरूरत था यहाँ पे खासकर, और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के काफी सारे पहल आप करते रहेंगे। और दर्शकों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव आर एस गुप्ता जी। सर, ये बताएं यहाँ पे
काफी दिनों से ये समस्या देखी जा रही थी। नाला है, नाला के बगल में सड़क है, लेकिन कोई यहाँ पे डेंजर साइन बोर्ड भी नहीं है, कोई बैरिकेड भी नहीं था। काफी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान का दुआ आशीर्वाद है कि आज तक ऐसा नहीं देखे हैं। शायद हुआ हो भी तो पता नहीं चला है, लाइमलाइट में नहीं आया हो। आज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो है मैं ट्रैफिक पुलिस को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो इनकी नजर इस पर पड़ी हुए है, ये आए दिन कभी भी कोई दुर्घटना घट सकता था। पानी के समय में चारों तरफ से पानी भर जाता है, यहाँ गड्ढा पता नहीं चलता है, और सीधे बहुत कम से कम 15 फीट नीचे जो है इसका गड्ढा है, उसमें कोई भी यदि गिरे तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। मैं दोबारा जो है ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद दूंगा कि उनकी नजर इस पर पड़ी है, ये बहुत काबिल तारीफ है, और खुद को काम को करवा रहे हैं, ये और काबिल तारीफ है। मैं ट्रैफिक ओसी को, पुलिस प्रशासन को साधुवाद देता हूं कि इस तरह से चीज पर जो है उनका खास तौर से नजर रख रहे हैं, बहुत खुशी का बात है, और आशा करता हूं कि सामने भी ऐसा चीज पर ध्यान रखते जाएंगे और जो ट्रैफिक का जो ये है समस्या है उसको निदान करने का भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्तव्य आपने पेश किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगाया जा रहा है, और ये वेलकम कार्य है, सराहनीय पहल है जयगांव ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा, और आशा करते हैं कि इसी तरह से अगर कहीं और भी समस्याएं हो तो जानकारी में लाया जाए, ताकि कहते हैं कि पुलिस जो है हमेशा हमेशा जनता हमेशा लोगों का साथ है, और कहीं ना कहीं ये इस तरह का कार्य जो है ये दर्शाता है कि हर एक समस्या का समाधान के लिए पुलिस सबसे पहले आगे पहल करती है, और यही आशा के साथ इस समय हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। फिर किसी और क्षेत्र से फिर जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।